हेलो दोस्तों, आज हमारे सामने खड़ी है टोयोटा की मिराय। और भाई इस कार की मैं आपको खासियत क्या बताऊं, देखिए खासियत ये है कि भाई ये ना चलती है सीएनजी से, ना चलती है ये पेट्रोल से, ना चलती है भाई ये डीजल से, और तो और ये ना चलती है फ्लैक्स फ्यूल से। तो भाई चलती कैसे, भाई ये चलती है हाइड्रोजन फ्यूल से। भाई ये हाइड्रोजन फ्यूल से चलती है, भाई ज़बरदस्त कार है। भाई पूरी डिटेल बताऊंगा इसके बारे में, तो वीडियो बने रहेगा, वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो अभी तो हम लोग तो बात करता हूँ भाई डायमेंशन की। ओवरऑल लेंथ मिल जाती है 4975 mm की, विड्थ मिलती है भाई 1885 mm की, हाइट मिल जाती है 1480 mm की, व्हील बेस 2920 mm का मिल जाता है भाई, और 160 mm की हमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। आगे से हेडलैम्प आपको इस तरीके से मिलती है, DRL आपको मिल जाते हैं LED के, फ्रंट में मिलता है आपको टोयोटा का लोगो जो कि एक चमकता हुआ और ग्लो करते हुआ दिख रहा है। भाई नीचे मिलती है आपको इस तरीके से ग्रिल जो कि मतलब अपने इस तरीके से मतलब लाइनिंग वाली है प्रॉपर। तो भाई साइड में आप देखिए जो टायर की प्रोफाइल आपको इस तरीके से मिल जाती है, अलॉय व्हील, ठीक है। अब चलते हैं भाई इसके साइड प्रोफाइल की तरफ। अपनों को ए पिलर और सी पिलर मिलता है बॉडी कलर में, बी पिलर मिलता है ग्लॉसी में। इस तरीके से डोर हैंडल मिल जाते हैं भाई अपने को बॉडी कलर में। यह है इसकी पूरी साइड प्रोफाइल, भाई ज़बरदस्त लग रही है। व्हील बेस ज़बरदस्त है, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVM मिल जाते हैं अपने को। भाई देख रहे हो क्रोम की अपने को नीचे की पट्टी मिल जाती है विंडो के लिए, जो नीचे जा रही है ना क्रोम का पूरा। अब चलते हैं भाई रियर प्रोफाइल की तरफ। रियर प्रोफाइल में चलते वक्त आपको दिखा दूँ कि मिलता है जो स्पॉयलर जैसा लुक दे रहा है, और यह है भाई इसकी टेल लैंप डिफ्यूज़ फॉर्म में कनेक्टेड मिलती है भाई टोयोटा के लोगों से। इस तरीके से अपनी डिफ्यूज़ फॉर्म में मतलब यह है टेल लैंप LED में पूरी मिलती है, ठीक है। ये देखिए ज़बरदस्त है इसकी पूरी रियर प्रोफाइल। भाई नीचे मिलती है स्किड प्लेट जो है ब्लैक में पूरी, ठीक। और पार्किंग सेंसर जो है अपने को ब्लैक जो स्किड प्लेट में ही मिल जाते हैं। यह है रिफ्लेक्टर यूनिट नंबर प्लेट का ऑप्शन, और ये देखिए भाई मैं आपको ना स्कूप भी मिल रहा है हमें नीचे की तरफ, टोयोटा MRI का अपना बैचिंग मिल जाती है। यह है इसका भाई पार्किंग सेंसर, ठीक है, जो कि पूरा पूरा बॉडी कलर में है। अब चलते हैं भाई ऊपर की तरफ, तो मैं आपको दिखा दूँ शार्फिन एंटीना, अपना हाई माउंट स्टॉप लैंप, और अपने को मिल जाती है डिफॉगर रियर में। वाइपर हमें नहीं मिलता है भाई इसमें, ठीक है, रियर वाइपर हमें नहीं मिलेगा इसमें। तो भाई अब चलते हैं भाई इसके फ्रंट केबिन की तरफ। डोर खोलने की हमें इजाज़त मिली नहीं, तो भाई अंदर से देख बाहर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एम्बियंट लाइट मिल रही है भाई ज़बरदस्त। तो भाई ये इंटीरियर देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको जूम कर करके दिखाने की, ठीक है। ये है अपना पूरा रियर केबिन। हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिलते हैं पूरे इस तरीके से भाई, ठीक है। लेदर में पूरी अपनों को पूरी सीट मिल जाती है, आर्मरेस्ट भी दिखाई दे रहा है मुझे पीछे, ठीक है। ये आगे के भी अपनों को हेडरेस्ट इस तरीके से एडजस्टेबल मिल जाते हैं भाई। तो भाई अब मैं बता दूं इसके बारे में, हाइड्रोजन जो फ्यूल है ना भाई, इसमें जो थ्री टैंक हाइड्रोजन फ्यूल मिलते हैं इसके अंदर, जो कि भाई तीनों फुल करते हैं, मतलब इसमें जो पूरी फुल हो जाए रिफिल हो जाए तो 650 किलोमीटर दौड़ा देती है भाई हमें। और इसमें मैक्सिमम पावर जनरेट करेगा 134 किलोवाट की, मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करेगा 300 न्यूटन मीटर की, और इसका मैक्सिमम वोल्टेज है 600 वोल्ट की, ठीक है। और इसमें जो 1.2 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी आती है 330 सेल की, ठीक है। तो ये थी हमारे सामने टोयोटा की मिराय, और जल्दी ही हमें हिंदुस्तान की सड़कों पर ये दौड़ती हुई दिखाई देगी, ठीक है। और ज़बरदस्त कार है भाई, हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली कार है, और मतलब कितनी ज़बरदस्त है, इको फ्रेंडली है पूरी। तो ये थी हमारे सामने, तो वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।